नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार में, और अभी हम हर की पौड़ी के पास ही एक होटल में रुके हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं मानसा देवी मंदिर दर्शन करने। जो हरिद्वार आया होगा वो मानसा देवी मंदिर के बारे में अच्छे से जानता होगा। काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंदिर, माता जी का मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ दर्शन करने से जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ जो हमारे साथ आए हुए हैं, और उसके बाद हम मानसा देवी का जो भी वहाँ की चीज़ें होंगी वहाँ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद हम नीलकंठ भी जाएंगे, तो वहाँ का भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अभी चलिए चलते हैं। और अभी मैं देखिए होटल में रुका था, तो उसके बालकनी में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको होटल दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम चेकआउट करने जा रहे हैं, ये हमारा कमरा था और हमारे साथ वाले चले गए हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। तो वैसा भी कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। चलिए मैं अभी चलता हूँ और चेकआउट करते हैं। होटल वैसे काफ़ी अच्छा था, सुविधा भी अच्छी थी। देखिए अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और ये होटल है जिसमें हम रुके थे, सनशाइन। और इधर ही हर की पौड़ी, ये मार्केट है पूरा, अंदर बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से लोग सामान वगैरह खरीदते हैं। और अभी हम इधर से जाएंगे मानसा देवी का चढ़ाई करने के लिए। चलिए अभी चेकआउट करते हैं फटाफट और फिर चलते हैं मानसा देवी मंदिर। तो फाइनली हमने चेकआउट कर लिया है होटल से और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की चढ़ाई शुरू करने। ये मानसा देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो इस हिसाब से तो मंदिर में भी काफी भीड़ होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ प्रसाद दे रहे ऊपर लेके जाने के लिए, और ऊपर पहाड़ पे जाना है हमें। ये देखो हमने प्रसाद ले लिया है, 50 का एक दे रहा है भाई। अब सब बहुत सारे लोग हैं जो प्रसाद बेच रहे हैं। बिल्कुल इतनी पतली गली और इतनी भीड़। यहाँ से है मानसा देवी मंदिर का जो सीढ़ी का चढ़ाई है स्टार्ट, यहाँ से होता है। यहाँ देखो काफी ज्यादा ही भीड़ है। सुबह सुबह बता, सुबह 8:30 हो रहा है ना, समथिंग 8:30 बजे की ये भीड़ है। यहाँ से देखो ऊपर से मिट्टी गिरी हुई है, इसको भूस्खलन बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है, अगर पहाड़ी इलाकों में आप जाते हो ना तो इसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर मिलती है बरसात के दिनों में। और ऊपर देखो मंदिर, तो जब भी जाएँ तो पहाड़ इलाके में तो इन सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा सावधान रहे, भूस्खलन वगैरह से। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। यहाँ देखो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, और यहाँ भी बंदर बहुत सारे होते हैं, और ऐसे धर्म स्थलों पे तो बहुत सारे बंदर वगैरह तो दिखते ही हैं। इधर भी पेड़ों पे हैं। तो
और यहाँ देखो इस गेट से हो रही है चढ़ाई की असली शुरुआत, पर यह से ज्यादा दूर नहीं है वैसे मंदिर। और देखो लोगों ने शॉर्टकट भी अपना रखा, देखो इधर से आ रहे हैं लोग, ऐसी जगहों पे शॉर्टकट ना अपना, पैर फिसल सकता है। और काफ़ी बारिश का मौसम है तो पैर फिसलना लाजमी है, और जब पैर फिसलेगा तो चोट लगेगी। तो अगर आपको आना है तो उड़न खटोला से भी आ सकते हैं, देखिए सामने दिख रहा है। तो चलिए अभी हम फटाफट ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। भाई साहब पास में बंदर आ गया, यहाँ रखा था कुछ रोटी वगैरह वही खाने के लिए। और यहाँ देखो आप जब ऊपर आते हो ना तो कैश की बहुत दिक्कत होती है, अंकल सिक्के दे रहे हैं। ये आ गए दस के 8 रुपए और 10 के 9 रुपए, 10 रुपए दिए तो 9 रुपए का सिक्का देंगे। तो ऊपर आने पे आपको सिक्के मिल जाएंगे आसानी से अंकल के पास। ये थोड़ी सी आप चढ़ाई करोगे ना जो मेन गेट अभी दिखा, वो उसके थोड़ी सी चढ़ाई पे ही बैठे हुए अंकल। यहाँ भी खुले पैसे अगर आपको लेने हो तो ले सकते हैं, 10-10 की गड्डी बैठे हुए लेके। और यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हरिद्वार का व्यू, और पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम लोग कल गए थे तो थोड़ा सा नीचे था पानी का स्तर, अभी यहाँ से तो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी नीचे चाहूँगा तो मैं वहाँ का भी एक ब्लॉग बनाऊँगा। इधर से कुछ इस प्रकार का व्यू है ऊपर से, फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। ये देख सकते हैं मंदिर, ये माता जी का मंदिर है। और बस अब यहीं से आगे हमें मंदिर में प्रवेश करना है और माता जी का दर्शन करना है। भीड़ तो बहुत है, अगर अलाउ होगा मंदिर में फ़ोन तो मैं आप लोगों को जरूर दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए आप सीधे मंदिर में मिलते हैं, अभी हम कर रहे हैं मंदिर में प्रवेश। देखिए भीड़, और सब अगर अलाउ होता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा, माता जी का दर्शन करवाऊँगा। ये देखो अंदर का व्यू, भाई साहब बहुत तगड़ी वाली लाइन लगी है, देख लो आगे। वैसे तो हर साल रहता है ना इतना भीड़। चलिए फटाफट लाइन में लगते हैं। मंदिर में पूरा भरा हुआ मंदिर, बैरिकेडिंग आ गया, हर बैरिकेडिंग में लोगों की लाइन है, काफी भीड़ है। तो फाइनली मैंने मानसा देवी मंदिर का दर्शन कर लिया, मानसा माता का दर्शन कर लिया। काफ़ी भीड़ थी भाई, अपने तरफ से कोशिश करा मैंने जितना हो सका मैंने दिखाने का। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे जा रहे हैं हम सब्बे से उड़न खटोला बोलते हैं, उड़न खटोला से। अभी फिलहाल मैं उड़न खटोला जाया, वहीं से वहीं पर खड़ा हूँ। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
देखो यहाँ इधर से लोग आ रहे हैं और इधर से बैठ के लोग जा रहे हैं, हम भी इधर लाइन लगे हैं, लाइन लगा हुआ है जाने के लिए। तो अभी हम चलेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको ऊपर सूर्य कटोला से व्यू हरिद्वार का। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उड़न कटोला से, देखो ऊपर से काफी अच्छा व्यू है। और हमारे साथ दो आगे चले गए, हम दो इसमें जा रहे हैं, बस देखो। काफी अच्छा दिख रहा है और बारिश हो रही है अभी, तो यार बारिश नहीं हो रहा था। यही तो यहाँ का खेल है, द्वार का पता नहीं चलता कब बारिश होगा। और भीड़ देखो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, अब पूरे दिन ऐसे ही भीड़ चलेगा, पूरे दिन क्या पूरे सावन तक ऐसे ही भीड़ चलेगा। ऊपर से काफी अच्छा व्यू है, देखो पन्नी लगा रखा है, या बारिश हो रही है तो।